हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एन बी क्रिएटर आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम एग्जाम्पल और या सॉल्यूशन बोल दें जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बेस आपके और दू प्रॉपर्टीज के बेस पर रहते हैं ठीक है ना तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं आप पुराने पेपर उठाकर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेंगे तो हम वही सॉल्यूशन या एग्जाम्पल इस वीडियो में हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे देखेंगे तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर तैयार करिएगा ठीक है ना पेपर में पूछा भी गया है और पूछा जाता है तो है इंट्रीगल माइनस वन टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एंड प्लस वन पी एन डैस डी एक्स इक्वल टू ठीक है ना इसके तर्ज पर हमने एक और सवाल कराया था और दुगोनल प्रॉपर्टीज का एक और एग्जाम्पल सेम उसी आपके ये तर्ज पर ये सवाल है ठीक है ना तो चलिएगा इसका प्रूफ देखते हैं देखिएगा आपको अगर इन सवालों को लेजेंडरी पॉलिनोमियल के सवालों को सॉल्व करना है तो आपको रिकरेंस फॉर्मूले पूरे बिल्कुल याद होने चाहिए ठीक है ना इतना आप ध्यान में रखना है छह रिकरेंस फॉर्मूले हमने कराए हैं तो छह रिकरेंस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपको सवाल देखकर ही आपको पता चलना चाहिए जैसे यहां पर पी एंड डेस किस फॉर्म में कहां पर है तो कौन सा रिकरेंस फॉर्मूला लगना है छठवा वाला तो बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए तो बी नो दैट बाय द रिकरेंस फार्मूला ऑफ पी एन ऑफ एक्स लेजेंड्री पॉलिनोमियल का ठीक है ना तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैस इज्क्ल टू एन एक्स पी एन माइनस पी एन माइनस वन अब हम क्या करेंगे जो हमारा दिया गया है उसको हम एल एच एस ले लेंगे एल एच एस क्या है एंट्रिकल माइनस टू वन टू वन पी एन प्लस वन अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर हम क्या करें इधर लिखें ठीक है ना तो जो पी एन डैश है ठीक है ना जो एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश इसकी जगह और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं पूरा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो कुछ नहीं किया ध्यान देखना पी एन प्लस वन पी एन प्लस वन जो एजेट लिख दिया है अब हमने क्या है इसकी जगह जो ए वाला फॉर्म और ए वाला फॉर्म इसकी जगह हमने ए पूरा यहाँ पर एजेट लिख दिया है रिकरेंस फॉर्मूले से ठीक है ना बच्चों? अब हम क्या करते हैं आगे देखते हैं इसको चूंकि आपको यहां पर दिख रहा है अगर हम इसको सॉल्यूशन आगे करते हैं तो यहां पर एन बाहर आ जाएगा एंट्रिकल माइनस वन टू वन एक्स देखिएगा x पी एन पी एन प्लस वन डी एक्स लिख सकते हैं पी एन ऑफ एक्स पी एन प्लस वन ऑफ एक्स चूंकि हम x के ही फॉर्म में आ, कर रहे हैं यहाँ पर तो हम x को नहीं लिखते हैं ठीक है ना कभी कभी लिख देते हैं आपका मन है एन माइनस का अब देखो माइनस इसका अब आप मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो तो एंट्रिकल माइनस वन टू वन अब यहाँ पर पी एन माइनस वन तो पी एन माइनस वन और हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन पी एन प्लस वन डी एक्स अब चूंकि आपने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज पढ़ी है जब भी एन इज एम डज नॉट इक्वल टू एन यहां पर अगर हम एन बराबर हमारा वन आ रहा है एन बराबर माइनस वन तो यहाँ पर एम की वैल्यू एन के बराबर नहीं है एम बराबर अगर मान के चले वन वैल्यू है एन बराबर माइनस वन जो कि दोनों बराबर नहीं है तो हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी सेकंड पढ़ी है फर्स्ट प्रॉपर्टीज जब m डज नॉट इक्वल टू n हो तो इस प्रॉपर्टीज का हमारा मान कैसा हो जाता है जीरो तो इस वाली हमारी प्रॉपर्टीज पूरी जीरो हो जाएगी बचेगी क्या n इंट्रिकल माइनस वन टू वन एक्स पी एन प्लस वन डी एक्स ठीक है ना तो हमने इसको लिख दिया है अब हम फिर से रिकरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर देखिएगा कौन सा रिकरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर एक्सपीएन दिख रहा है तो एक्सपीएन हमारा रिकरेंस फार्मूला यहां पर यूज होगा फर्स्ट वाला और फर्स्ट वाला आ, हमने यहां पर डायरेक्ट तो इसको इसको पक्षांतर कर दिया एक्सपीएम का पूरा जो मान है यहां पर हमें सब्टीट्यूट कर देना है ठीक है तो लिखेंगे आगे देन सब सब्टीट्यूट वैल्यू हमने यहां पर पूरी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी है अब हमने क्या किया इसका यहां पर मल्टीप्लिकेशन किया पी एन प्लस वन ऑफ डीएक्स का एन 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 स्क्वायर और नीचे हमारा टू एन प्लस वन टू एन प्लस माइनस वन टू वन एंट्रीकल माइनस वन टू वन यहां पर हमारा पी एन है आ, यहां पर पी एन प्लस वन ठीक है ना तो हम यहां पर पी एन पी एन प्लस वन और एक उर्दू उर्दू गोनल आपकी फिर से हमारी वही मिल रही है यहां पर हम एक गलती लिख रहे हैं पी एन माइनस वन है ठीक है ना तो पी एन प्लस वन और पी एन माइनस वन फिर से हमारी उर्दू गोनल प्रॉपर्टीज फर्स्ट यूज हो रही है क्योंकि एन बराबर माइनस वन एन बराबर प्लस वन तो इसका मान जीरो हो जाएगा बचे बचेगी ए वाली तो हमारा क्या मिल गया एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाहर अंदर, इंट्रीकल वन टू वन, इसको हम लिख सकते हैं पी एन प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स अब उर्दू प्रॉपर्टीज आपकी सेकंड अपनी हमने करवाई थी प्रूफ क्या होती है हमारी जब स्क्वायर हो जाता है टू अपॉन टू एन प्लस वन तो हमारा क्या है एन की जगह हमने एन प्लस वन लिखा है तो हमारा ए वाला हमने एजिट लिख दिया है टू अपॉन एन कीजिएगा एन प्लस वन प्लस वन टू एन प्लस टू टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री और यही हमें प्रूव करना था तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है और यही हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा ही देखने को मिलता भी है ठीक है ना तो चलिए हम फिर से अब दूसरा हम एक और इम्पोर्टेंट आपका सवाल है एक दो आ, तो उसको भी देख लेते हैं तो क्या है ठीक है ना सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में एंट्रिकल माइनस वन टू वन पी एन ऑफ एक्स अप अंडर रूट वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर डी एक्स इज्क्ल टू टू टी की पावर एन अप डिवाइड बाई टू एन प्लस वन देखिएगा आपको उस सवाल को देखकर ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज होना है ठीक है ना दिख रहा है साफ साफ वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर आपके माइंड में बिल्कुल फिट आया है कि यहाँ पर हमारा जेनरेटिक फंक्शन यूज होना है तो हम जानते हैं लिखेंगे बी नो दैट वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू होता है समीशन एन इज्क्वल टू यहाँ पर हम एम लेंगे ठीक है ना एन क्यों नहीं लेंगे क्योंकि हम पी एन ओ फशन के रूप में निकाल ही रहे हैं इसलिए हम एम एजल टू जीरो की पावर इन तो हमारा क्या हो जाता है टी की पावर एम पी एम ऑफ एक्स ठीक है अब हम क्या कर देंगे सवाल को देखेंगे अब हमने ये लिख दिया है अब हम इसको नीचे ले आएंगे तो बन अपॉन हमारा ए हो जाएगा ए ज्यो आ जाएगा हमें चाहिए क्या है ऊपर पी एन ऑफ एक्स तो हमने क्या किया दोनों ट्राइड पी एन ऑफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो पी एन ऑफ एक्स इधर हो गया पी एन ऑफ एक्स इधर हो गया और हमारा पी एम ऑफ एक्स हमारा उसके जेनेटिक फंक्शन की डेफिनेशन से है ठीक है ना दोनों साइड अब हमें क्या चाहिए इधर इंट्रिकल चाहिए माइनस वन टू वन तो हमने क्या किया दोनों साइड रिस्पेक्ट में माइनस वन टू वन के में एंट्रिकल कर दिया है अब यहां से हमें एल पूरा मिल चुका है ठीक है ना यहां पर हम dx लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर पूरा हमारा एल एच एस मिल चुका अब हमें आर एच एस करना है और दिखाना है टू की पावर टू इन टी की पावर एन डिवाइड बाई टू एन प्लस वन करना है तो देखिएगा यहां पर इंटीग्रल माइनस वन टू वन पी एन ऑफ एक्स समीशन एम इक्वल टू जीरो की पावर इनफाइनेट टी की पावर एंड पी एम डी एक्स अब हमने पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स को कॉमन ले लिया इसका हमने क्या कर दिया एक्सपेंशन प्रसार कर दिया है तो पी जीरो ऑफ एक्स टी पी वन ऑफ एक्स टी स्क्वायर पी टू ऑफ एक्स एंड सो ऑन टी की पावर एंड पी एन ऑफ एक्स ठीक है ना अब हमने क्या किया इसका पूरे में मल्टीप्लिकेशन कर दिया है तो पी जीरोक्स पी एन ऑफ एक्स

क्या होती है पी एन पी जीरोस हम करके आए जीरो तो ये जीरो ए जीरो हो जाएगा बचेगा क्या हमारा टी की पावर एन वाला फंक्शन और दो गोनल प्रॉपर्टी से लिख देंगे तो यहाँ पर ये यह हमारी स्क्वायर के फंक्शन बन जाएगी है टी स्क्वायर चूंकि स्क्वायर का होता है टू अपॉइंट टू एन प्लस वन तो हमने टू अपॉइंट टू एन प्लस वन तो एल एस एस लेकर चले थे हमारा आर एच एस फॉर्म आ चुका है और यही हमें प्रूव करना था तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी और सवाल में कहीं भी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा ज़रूर हम आपका रिप्लाई करेंगे और जिस भी बच्चों को इसके हैंड रिटन नोट्स यही परचेस करना हो ठीक है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी सारी जानकारी बिल्कुल इसी राइटिंग बेहतरीन तरीके से आपको इसके वी डी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और यह हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो तो वहाँ पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक दो और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं फिर उस लेक्चर में हम इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल को एंड करेंगे फिर हम इसके नए सीरीज हरमाइट पॉलिनोमियल को हम शुरुआत करेंगे तो चलिए मिलते हैं धन्यवाद